तो चश्मे से धोके साफ कर, चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, जो बहता क्रूस से खास। अब मेरे साथ एक और गीत गाएं, कहें यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। बच्चों आप भी गाओ, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। बच्चों आप भी गारे गाओ, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। जो भाई पीछे खड़े हैं, जो बहन पीछे हैं, अब आप हैं, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो भी बचाता है। आप तो बहुत अच्छे हैं और आप हुक्म मानने वाले हैं, बड़े अच्छे हैं। जरा छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इसने मेरे को गाने दिए, आप गाओ, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता। सितार को पता है कि आप क्या गा रहे हैं, आप वही गा रहे हैं, एक बात जिससे वो डरता है आप वो गा रहे हैं, एक कुदरत जिससे वो भागता है आप उस कुदरत के बारे में गा रहे हैं। और मुझे पता है खुदा का खातम होते हुए कि मैं सच बोल रहा हूं, जज्बाती बात नहीं बता रहा आपको, सच्ची बात बता रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। फिर से कहो सारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, ये सच्चाई है, यीशु के लहू में। अभी भी कई बीमारियां जिनका प्रॉपर दवाई नहीं बनी, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसकी बनी नहीं सकती दवाई, उसकी एक ही दवाई है और वो यीशु का लहू है, और वो गुनाह की बीमारी है। गुनाह का दाग लग जाए तो लगा रहता है, वो हटता नहीं है, लेकिन जब यीशु का खून किसी की जिंदगी पर आता है तो वो गुनाह का दाग धुल जाता है। बच्चों आपको समझ आ रही है, एक वाहिद कुदरत यीशु का लहू है जो सलीब से बहा है, जो गुनाहों को धोता है, इंसान को नया कर देता है। तेरे लहू के वसीले
जोर से सुनिए बच्चों, आप भी सुनो, आपको भी समझ आएगी। आप ये जिस ग्राउंड में खड़े हैं ये प्लॉट भी है, प्लॉट है ना, जमीन का टुकड़ा प्लॉट होता है। अब मुझे नहीं पता ये किसकी जमीन है, लेकिन फर्ज करें कि इस पर कब्जा हो गया, किसी हैवी पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया जो बड़ी हैवी है, और अब हिम्मत ही नहीं हो रही कि अब उनको कैसे जाकर कहेंगे ये छोड़ दो, क्योंकि वो हैवी पार्टी है। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और पुलिस को और आर्मी को लेकर आते हैं और अदालत से एक पेपर लेके आते हैं। अदालत चेक करती है और देखती है कि आपका है ये प्लॉट। आप वो पेपर लेके आते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्लॉट इस बंदे का है और ये जो तुमने कब्जा किया हुए नाजायज है। जब आप पिछली बार गए थे तो उन्होंने आपको मार के भगा दिया था। अब आपके साथ फौज भी है, आपके साथ पुलिस भी है, और आपके साथ वो पेपर भी है। और अब जब आप जाएंगे तो वो जिन्होंने कब्जा किया हुआ उनको कब्जा क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हैवी नहीं है, अब आप हैवी हैं। आपके साथ पावर है और आपके पास अथॉरिटी है, लेटर है अथॉरिटी का। वो जो जब वो लेटर आप दिखाते हैं तो वो कब्जा छोड़ना पड़ता है। यीशु का खून वो लेटर है जिस पे लिखा हुआ है कि इस शख्स की कीमत अदा हो चुकी है और ऐ इब्लीस तेरा कब्जा नजायज कब्जा है। यीशु का खून आपके लिए वहां है, आपकी कीमत अदा हो चुकी है। पीछे तक गली में भी जितने लोग खड़े हैं आप कहें मेरी कीमत अदा हुई है, यीशु ने मेरी कीमत अदा कर दी।
ऐ शैतान दूर हो, तेरा कब्जा नाजायज है, तू मेरा मालिक नहीं है। मेरा मालिक वो है जिसने मेरी कीमत अदा की। आवाज नहीं आनी, डर क्यों नहीं उस काम से? मेरा मालिक वो है जिसने मेरी कीमत अदा की है और भारी कीमत अदा की है। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। आपकी बारी है। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौता बेटे दादा पापिया हुआ से पूछ। पीछे वाले भी इकलौते बेटे देखो सारे बच्चों, इस माइक के अंदर ये तार है जिसमें से वॉइस आ रही है, करंट भी आ रहा है, वो जो लाइट जल रही है उसके साथ भी तार है। पीछे ना देखो, मेरी तरफ देखो, हर लाइट और हर बिजली की चीज के साथ क्या लगी हुई है? तार में से क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। और अगर दो तारों में से दो तारे लगी हो तो लाजमी बात है दोनों में से कोई एक है जो असली तार है जिसमें से करंट आ रहा है। असली तार की पहचान क्या है? कि जिसके अंदर करंट आ रहा है, जिसमें से पावर निकल रही है, इसको कहते हैं सच्चाई। सच्चाई क्या है? कि दोनों तारा जो एक काली है तो एक लाल है, दोनों जो एक च करंट आ रहा है। सच्चाई क्या है? कि ये जो लाल वाली तार है इसमें से करंट आ रहा है, वो जो काली वाली तार है वो भी तार है, लेकिन वो खाली दिल को खुश करने के लिए उसमें से करंट नहीं आ रहा, पावर नहीं आ रही। आप जो गा रहे हैं ये असल सच्चाई है। करंट और पावर वहां है जहां यीशु का लहू है, वहां खुदा की हुजूरी है। सारी दुनिया में घूम आए, आपको आके आप मुझे मिलेंगे और कहेंगे भाई आपने सही कहा था, बाकी सब कुछ तो गल्ला ही नहीं। खुदा की हुजूरी तो उतनी आती है जिथे मसीह के खून को अपनी जिंदगी च पुकारिया जाता है। जिस जिंदगी पर यीशु का लहू लग जाए वहां खुदा की हुजूरी आ सकती है। हालेलुया। वजह यह है क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। बोले बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। ये आप बाइबल की आयत बोल रहे हैं, फिक्र ना करें, ऊंची बात में बच्चों बोलो, क्यों खुदावन के कलाम में लिखा है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। अब मेरी बात सुने, बैलों और बछड़ों का खून माफी नहीं दिला सकता, क्योंकि वो सिर्फ याद दिलाता है इंसान को कि तुम्हें माफी की जरूरत है और ऐसे खून की जरूरत है जिससे माफी मिल सके। फिर बोले मेरे पीछे के जानवरों का खून माफी नहीं दिला सकता, वो सिर्फ याद दिलाता है कि हमें एक ऐसे खून की कि हमें एक ऐसे खून की जरूरत है जो माफी दिला सके, जो कीमत अदा करके माफी दिला दे। और बोले वो सिर्फ यीशु का लहू है, वो सिर्फ यीशु का लहू है। ऊंची आवाज में बोले
मगर यीशु का खून आपको रिहाई दिला सकता है। हालेलुया। आपके रिश्ते नाते बहुत अच्छे हैं, आप उससे और प्यार करें मसीह में, मगर वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते कि आपको गुनाह से रिहाई दिला सके। सोने और चांदी से भी यीशु का खून की मिट्टी, ऊंची बात में सच बोले, चांदी से भी शैतान पा रहा और झूठा है ओदी गल ते यकीन करके असीं बोल भी रहे घर च बहुत माहौल खराब कर रहे। तू ते है ही इस तरह दी जो कुछ हमें अबलीस कहते हैं हम जल्दी मान लेते हैं, इतना सच्चा है साडा। और खुदावन प्यार करते हैं या शैतान प्यार करते हैं? बताएं मुझे सच्चा कौन है, यीशु है या अबलीस है? किसकी बात का यकीन करें? वो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और आप अगर झूठ दिलेरी से बोल सकते हैं तो क्या सच दिलेरी से नहीं बोल सकते? वो सच क्या है? सोने और चांदी से भी यीशु की मिट्टी, ऊंची आवाज में बोले, सोने और चांदी से भी यीशु की मिट्टी, मेरे और रक्त से भी यीशु की मिट्टी, बात सुननी बच्चों आपने भी। इधर देखिए, मुझे एक मोबाइल जरा दिखाना भाई, जेब में है मोबाइल। अभी पता नहीं चल रहा कि इस हवा में मोबाइल की जो फोन की लहरें हैं वो मौजूद है, नजर आ रही है? जब फोन कोई करेगा मुझे तो ये फोन बजेगा, ये कहां से अचानक बज गया, ये कहां से अचानक टू टू करना शुरू हो गया? क्योंकि इस हवा में कौन सी लहरें मौजूद है? फोन की लहरें, मोबाइल फोन की। क्या वो जेडे टावर लगे ने वो लहरा सुन रहे हैं ते वो हवा से पूरे शहर से मौजूद ने लहरा, पर नजर नहीं आ रही। इतने फोन दिया लहरा की में
बोलो इतने इस जगह से जिहड़ी मोबाइल फोन दियां लहरां ने वह की ने मौजूद ने पर नजर पिछे वाले दसन मोबाइल दियां लहरां नजर नहीं आ रही पर इधर नजर आने का मतलब है कि वह नहीं है। इसी तरह खुदा के पाक रूह की हजूरी यहां पर मौजूद है मगर नजर नहीं आ रही। यीशु ने कहा था बच्चों इधर देखें यीशु ने कहा था ऐ तोमा तू तो देख कर ही मान रहा है ऐ छतरी के पीछे जेड़े लोग ने मैं नजर नहीं आते पर वो भी कह के तो यीशु ने कहा तोमा तू तो देख कर ईमान लाया। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। आप में से कितने हैं जो बगैर देखे जानते हैं कि वो मौजूद है यहाँ पर। हाथ हिलाकर पाखरू को वेलकम करें लेकिन आज तुसी ओदे कोलो कह रहे हो कि खुदावंत कुछ नहीं चाहिए हमें तू चाहिए। हालेलुया। हम किस चीज की बारिश मांग रहे हैं? नोटों की डॉलरों की बारिश नहीं मांग रहे हम क्या कह रहे हैं? बारिश सोच के गाएंगे ना कि मैं उससे बात कर रहा हूं तो फिर वो बसते हैं। आप सोचे तुसी कल होते हो वे तुसी होते हो वे आप कहें मैं हूं बोले मैं हूं
और वो है और मुझे किसी की परवाह नहीं। बारिश हो तेरी हजूरी का पान जोर से बैठ के सब अब दोबारा इधर देखिए, हाथ उठाएं, आंखें बंद, वो है और आप हैं। फिर से कहें बारिश हो मोबाइल सेट है और कहते रहे ना कि यह मोबाइल सेट जरा खराब हो गया है, जी लहरा नहीं कैच कर रहे, सिग्नल नहीं कैच कर रहे, सिग्नल केड़ा सेट कैच करेगा जेड़ा ठीक होगा, जेड़ा की होगा तो ठीक कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु का फोन ठीक कर सकता है। हालेलुया, जोर से ताली, जोर से ताली बजाएं। यीशु तो प्यार का दरिया है, बोले यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तो प्यार का दरिया बच्चों आप सब इधर देखिए जरा बेहतर, जब बारिश होती है आप सोचो इधर बारिश शुरू हो जाए तो कौन कौन भीगेगा, सब क्यों भीगेंगे, क्योंकि सारे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, कोई बचेगा? अगर आप यहाँ पर बाल्टी रखेंगे तो वो क्या होगी, भर जाएगी। देखी रखेंगे तो वो क्या होगी, भर जाएगी। तो अगर ढक्कन लगा के देखी रखेंगे तो वो नहीं भरेगी। किन्ने किन्ने ढक्कन लाया हुआ है अपने दिल पे, वो बस हटाओ तो अगला काम यीशु दा। उन्हें क्या सी दरवाजा तू खोलना, अंदर मैं आना, अंदर आना मेरा काम है, तो बुआ खोलना तेरा काम है। ढक्कन हटा दे, दिल की सख्ती को दूर कर दे, ये सोचना छोड़ दो कि मैं तो जी आके खोता हुआ, मैं थोड़ा जा देखूंगा कि हो रहा फिर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, खुदावंद कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी सुन, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। बारिश हो रूह पाती
मेरा नौजवान कजन था, जानने वाला था, अजीज था, हमने उसको दफनाया। हमने दो तीन महीने, एक 10-12 साल का बच्चा था, उसको दफनाया। खुदावंत का वक्त था, वो चला गया। आपको किसने गारंटी दी है कि अजय बड़ा टाइम है? आपको किसने ये धोखा दिया हुआ है कि अजय बड़ा टाइम है? खैर है, कोई पता नहीं है अगले लम्हे का। एक नया गीत मेरे साथ गाए, कहें सच, कहें मैं सच बोलूंगा। बच्चों बोले मैं सच बोलूंगा। खुदा का कलाम बताता है, खुदा के कलाम में लिखा है, हम परदेसी और मुसाफिर हैं। बोले खुदा का कलाम कहता है कि हम, बच्चों आवाज नहीं आ रही, कहें खुदा का कलाम कहता है कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं, और ये दुनिया हमारा वतन नहीं है, पिछले दसन गोरा नहीं कहते, कहते फॉरनर आ गया। हम क्या कहते हैं? क्यों वो फॉरनर है? क्योंकि ये उसका मुल्क नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर फॉरनर है। आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया आपका मुल्क नहीं है, आप यहां पर फॉरनर हैं। आपका मुल्क, आपका वतन आसमान पर है। बाइबल हमें बताती है, बच्चों बाइबल बताती है कि हमारा वतन आसमान पर है। क्या बताती है हमारा वतन आसमान पर है? ये सच्चाई है, कहें ये सच्चाई है, इसलिए ये सच्चाई कहो, आसमान मेरा वतन है, मैं मुसाफिर यहाँ। बच्चों कहें आसमां मेरा वतन है, मैं मुसाफिर यहाँ। कुर्सियां वाले भी कहें वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहाँ। वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन। आसमां मेरा वतन है, आसमां मेरा वतन है, मैं मुसाफिर, वहीं लगा मेरा मन है, वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहां। सुने दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहां। अब आपकी बारी है। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। जीना मसीह मरना नफा, होती वो बेशुबा। जीना मसीह मरना नफा, होती वो बेशुबा। से लगन है, पालू उसे मैं वहां। दिल में बस एक लगन है, पालू उसे मैं वहां। बच्चों ध्यान से सुन मेरी बात, खुदा के कलाम में लिखा है, एक एक बिजनेसमैन था। क्या था? उसको एक कीमती मोती मिला। क्या मिला बच्चों? क्या मिला?
और उसको पता लग गया कि किसी को नहीं पता कि यह मोती दुनिया के सारे खजानों नालों कला ही कीमती। उन्हें की किया जिदे को मोती सी उन्हें उदे को फटाफट जो कुछ भी उन्होंने देना पाया अपना सारा कुछ भी देना पाया उन्हें दे के वो बड़ा होशियार से उन्हें कहा यार मेरी सारी दौलत भी चली जाए यह मोती मिल जाए मैं फायदे च हाँ। तो उन्हें अपना सब कुछ दे के की ले लिया वो मोती खरीद लिया। क्यों क्यों खरीद लिया उन्हें अपना सब कुछ दे के? क्योंकि उन्होंने पता लग गया से कि यह मोती मेरे सारे मालो दौलत तो भी ज्यादा कीमती है सब कुछ नालों ज्यादा कीमती बड़ा होशियार से है वो पाकिस्तानी लगता है बंदा जिन्हों पता लग गया एकदम कि कीमत बड़ी है इस चीज़ की एक मोती जिहड़ा है दुनिया के सारे खजाने भी रल के ये बराबर नहीं इनू लै लो किसी तरह भी यह बेचण वाले को भी नहीं पता कि यह कितना महंगा है। तो उन्हें की किया वो गया सारा बैंक खाली कर लिया अपना सारी जमीन बेच के सब कुछ दे दुआ के उन्हें वो मोती हासिल कर लिया। की हासिल कर लिया? एक मोती और भी है जो सारे खजानों से ज्यादा महंगा है। अगर मुझे अपना सब कुछ देना पड़े और मुझे वो मोती मिल जाए तो मैं घाटे में नहीं हूं। उस मोती का नाम यीशु मसीह है। वो बेशकीमत मोती जिसे दुनिया से तू दिल ना लगा कुछ भी ना तेरा यहां। बच्चों कहे भाइयों आपने मुझे शर्मिंदा नहीं करना मैं आप ही भाई हाँ मतलब मैं भी बंदा हूँ मैं औरत नहीं है मैंने तुझे शर्मिंदा नहीं करना बहनों की देखते कितनी आवाज आती है आसमा मेरा वतन है मैं मुसाफिरा दो जहाँ सो रहे आसमा मेरा वतन है आसमां मेरा वतन है मैं मुसाफिर यहां। मुकाबला बाजी आई बड़ी भारी शैल ओदे च फिर आवाज निकलती है तो उंज ही कटो भगत सिंह मैं यही चेक करना सी मुकाबले च तो निकल आई आवाज उंज निकलनी नहीं फिर सके आसमां मेरा वतन है मैं मुसाफिर यहां। ईमान से बढ़ता दूजा
मुकाबला कर लिया था उसका, उसके जनाब उसने पूरे पूरे बिल्डिंगें बनाई हुई थी जो उसने फसलों से भर ली थी, वो अरबपति हो चुका था, उसने भर ली अपने बैंक बैलेंस, उसने अपनी बिल्डिंगें बनाई हुई थी वो गंदम से भर ली, अनाज से भर ली, सब कुछ उसके पास था। और उसने कहा है मेरी जान खा पी और रेस्ट कर, अब तुझे किस चीज की कमी है। मगर उसी रात ये मैसेज आ गया कि आज ही रात तुझसे तेरी जान ले ली जाएगी। यीशु मसीह ने फरमाया, अगर आदमी बोले कहे यीशु ने फरमाया, अगर आदमी, बच्चों इधर देखो आप नहीं बोल रहे, कहो यीशु ने फरमाया, अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। आपने कभी टेंट देखा है खेमा, मैंनू दसो खेमा आरजी होता है या परमानेंट होता है। आरजी होता है क्योंकि दो चार दिन लिए लगाते ने जंगलों से जाके उसे रह के फिर उन्होंने समेट के अगे चलो जी। तो जो मकान होता है वह की होता है, वो परमानेंट होता है। मकान की होता है वो भाई है, जिंदगी परमानेंट नहीं है, खेमा है, इनू गोल करके अगे जाना ही जाना है। असल मकान आसमान है। हालेलुया, जोर से तालियां बजाए बोले हाथ लाए, हाथ की लग रही, हवा लग रही है ना,
पहले नहीं सी लग रही हूँ पता नहीं सी कि मौजूद है हवा पर है मौजूद हूँ पता लगे हाथ लाया तो पता चले हवा मौजूद है क्योंकि टच हो गई खुदावंद मौजूद है यहाँ पर उसकी हुजूरी मौजूद है और इधर देखे मीटर वो आपसे नाराज नहीं है आप उससे नाराज है उसने नहीं बंद किया अपने दिल को आपने बंद किया हुआ अपने दिल को वो तो सलीब तक चला गया था उसने तो खून बहा दिया अपने हाथों पे मुंह पे थप्पड़ खा लिए कायनात के मालिक जिन हाथों ने पूरी कायनात को बनाया उन हाथों में तेरी वजह से कील लगे उसने नहीं दिल बंद किया तूने दिल बंद किया उसके लिए वो अभी भी तेरे दरवाजे पर खड़ा है कभी कोई दरवाजे पर खड़ा हो तो क्या उसका दिल बंद होगा कि वो दरवाजे पर खड़ा है दिल तो उसका बंद है जिसने अंदर से कुंडी लगाई और खोल दी ना इतने अच्छे से आंखें बंद करें अपने दिल पे हाथ रखें आंखें बंद करें कोई किसी की तरफ ना देखे बच्चों आंखें बंद करें आप ये छोटे भी हो तो कोई बात नहीं खुदावंद आपके अंदर भी आएगा और मेरे साथ कहें दुनिया से तू दिल ना डरा कुछ भी ना तेरा यहाँ बोले दुनिया से तू दिल ना डरा कुछ भी ना तेरा यहाँ जीना मसीह मरना नफा तेरे नाल करां गुड़िया मोहब्बत जड़ां बैठा रवां तेरे कदमां च यीशु जे ते थो जिया ते मरां हुण सारिआं ने कहना है गल्लां तेरे नाल करां ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੜਾ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਤੇ ਮਰਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਉੱਚੀ ਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਉਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੜਾ उंगली नु फड़े तेरी अरशां नु जावां अपने पिता दे नाल प्यार बतावां उंगली नु फड़े तेरी अरशां नु जावां अपने पिता दे नाल प्यार बतावां प्यार बतावां तेरा इतबार करा रज रज प्यार करा बैठा रवा तेरे कदमां च यीशु जी ते थों जियां ते मरां तुसीं सारे पंजाबी हो गुड़ी दा मतलब पता है गुड़ी दा की मतलब गुड़ियां मुहब्बतां दा की मतलब मैं नहीं कहता तुसी उहदे नाल प्यार नहीं करते पर खुदा दा रूह कह रहा है प्यार ते है पर दूरी दूरी नाल गूढ़ियां मोहब्बतां अज होणगियां हालेलुया क्योंकि खुदा दा रूह आपके दिल को बदलेगा यीशु का खून आपके दिल में मसीह के प्यार को डालेगा हालेलुया अपने हाथ उठाएं बच्चों आप भी अपने हाथ उठाएं एक दूसरे की परवाह ना करें कोई किसी को ना देखे आंखें बंद करके फिर ऊंची आवाज में गला तेरे नाम करा
तेरे कदमा च सोनी ते तू दिया ते मरा शैतान आपको गिराता है, वो कहता है तू नहीं बच सकता, तू खुदा के साथ नहीं चल सकता, तू खुदावंत के खून से नहीं धुल सकता, ये झूठ है, उसकी बात ना सुने। सच यीशु बोलता है, वो कह रहा मेरे पास आ, तू क्यों अपनी पिछली जिंदगी से की वजह से मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे पास आ। मिट्टी रोटी खावा पानी जिंदगी दा पीवा अपना हाथ हिलाया। तो आपने बच्चों डिस्टर्बेंस नहीं कर रही, इधर देखो मेरी तरफ सब बच्चे, हेलो मैं माइक की चुटकी जा रहे हैं, इधर देखो उन्हें भी कहो बातें नहीं कर रही, फिर ना हो कि दूसरे बच्चों को खुदावन बरकत दे दे और आप रह जाए, आपने सिर्फ खुदावन से बात करनी है। आमीन बच्चों, आमीन। अब अपने हथिए अपने हाथ में थामे और कह खुदावंद ये मैं तेरी हुजूरी में लेके आया हूं। और ये गीत किस किस को आता है जेड़ा मैं शुरू करने लगा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, आपकी बारी है, कफारा मेरा सहारा मेरा मैं तेरी नाम पर चलता रहूं।
लिखा है कलाम में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें पीछे वाले हम तुझे कहो क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें। अच्छा सानू जो भी पता लगता है ना कि मंगण का मौका है, असी दुनियावी चीज पहले मांगने, लेकिन आज दुनियावी चीज नहीं पहले मांगेंगे, आज क्या मांगेंगे, आज क्या मांगेंगे बच्चों, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, बोले मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे, ताकि मैं क्या करूं, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इनकार करेगी, इसलिए वो कह रहा है सारे